नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक प्रहलाद अग्रवाल द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनके द्वारा निर्मित उनकी पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। एक गीतकार के रूप में फिल्मी जगत से जुड़े रहने वाले कवि और गीतकार शैलेंद्र ने जब फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया तो ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। मतलब इस फिल्म की जगह कोई भी दूसरी फिल्म नहीं ले पाई। इस फिल्म में न केवल अपने गीत संगीत और कहानी की बदौलत शोहरत कमाई बल्कि इस फिल्म में उस जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग करके सभी को आश्चर्य में डाल दिया। और इस फिल्म की अभिनेत्री वहीदा रहमान ने भी ठीक वैसे ही एक्टिंग की जैसी सबको उनसे उम्मीद थी। तीसरी कसम फिल्म को आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस फिल्म को बनाने के बाद यह साबित हो गया था कि हिंदी फिल्म जगत में एक अर्थपूर्ण और उद्देश्य से भरपूर फिल्म को बनाना कितना मुश्किल और कितना जोखिम भरा काम होता है। जब राज कपूर की फिल्म संगम सफल रही तो इस फिल्म ने उन्हें गहरा आत्मविश्वास से भर दिया जिस कारण उन्होंने एक साथ चार फिल्मों मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण की घोषणा की। लेकिन जब 1965 में उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म का निर्माण शुरू किया तो इसके एक भाग के निर्माण में 6 साल लग गए और इन 6 सालों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई जिसमें सन 1966 में कवि शैलेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म तीसरी कसम भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी कसम एक फिल्म नहीं थी बल्कि कवि शैलेंद्र के द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता थी। तीसरी कसम फिल्म कवि शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। इस फिल्म को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी और इसी कारण इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। तीसरी कसम फिल्म राज कपूर के द्वारा उनके जीवन में की गई सभी फिल्मों में से सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है। राज कपूर को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। वे अपनी आंखों से अभिनय करने और अपनी आंखों से ही भावनाओं को दिखाने में माहिर थे। इसके विपरीत शैलेंद्र एक अच्छे गीतकार थे और वे भावनाओं को कविता का रूप देने में काफी माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबी से निभाया। तीसरी कसम फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपया लिया था। एक अच्छे मित्र होने के नाते राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं के खतरों के बारे में भी जानकारी दी थी। लेकिन शैलेंद्र को ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था और ना ही नाम कमाने की इच्छा थी। उनके लिए अपनी आत्मसंतुष्टि काफी महत्वपूर्ण थी। तीसरी कसम फिल्म भले ही आज बहुत कामयाब फिल्मों में गिनी जाती हो लेकिन इस फिल्म को पर्दे पर दिखाने और प्रसारित करने के लिए बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रीब्यूटर मिले थे। जबकि इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बड़े सितारे थे और शंकर जयकिशन का संगीत भी था। इस फिल्म के गाने काफी पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था क्योंकि इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफे कमाने वालों के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म का प्रचार भी काफी कम हुआ और यह फिल्म कब आई और कब गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। शैलेंद्र 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में थे और उन्हें वहां के तौर तरीके भी मालूम थे लेकिन वे इनमें उलझकर अपनी इंसानियत को भुला नहीं सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल की एक पंक्ति रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस पंक्ति में संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति जताई थी।
लेकिन शैलेंद्र इस पंक्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल वे चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि एक कलाकार का कर्तव्य यह भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर भी बनाने की कोशिश करे। शैलेंद्र ने आज तक जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए जाते रहे हैं। शैलेंद्र ने कभी भी झूठे दिखावे को नहीं अपनाया। हमेशा उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, लेकिन उनके गीतों का अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य रचना से 100% न्याय किया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान को प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श कराती है। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठियां हो तो हर कोई बाचे भाग ना बाचे कोई काफी लोकप्रिय हो गया। अभिनय के नजरिए से यह राज कपूर की जिंदगी का सबसे खूबसूरत फिल्म है। वे इस फिल्म में मासूमियत की उच्चतम अवस्था को छूते हैं। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जागते रहो फिल्म में भी नहीं किया है। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहे हैं बल्कि वे हीरा मन ही बन गए हैं। और दोस्तों, तीसरी कसम फिल्म की जो मुख्य कहानी है उसे लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है। इस कहानी का एक छोटे से छोटा भाग और उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह से दिखाई देती है। तो दोस्तों, यह पाठ यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।